देखो देश में चलते फिरते नमूनों और स्कैमर की कोई कमी नहीं है। गरीबों के कंधों पर कैसे पैर रखकर अपने आप को ऊपर लेके जाया जाता है, इस गौरव महास्य से सीखो। 30-40 हज़ार रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। बाबा आपके लालते लोगों ने भेजे हैं 2,33,677 रुपए। अब ये बोलना कि इस इंसान ने स्कैम किया है बाबा का ढाबा के नाम से, जो आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी। देखो इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। अभी फिलहाल क्या हुआ, NDTV ने इसका इंटरव्यू लिया था, कुछ और भी न्यूज चैनल आए थे जिन्होंने इसका इंटरव्यू लिया था। वहां पर मैंने कॉमेंट में जब देखा कि कैसे लोग बाबा को ही गाली दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बाबा अब लालची हो गया है, अब इसको रुपये मिलने लग गए, इसको जिसने जो रो रहा था, जिसने इसको हंसाया, आज उसी के ऊपर ये मतलब इल्जाम लगा रहे हैं, पुलिस में इसको FIR कर दी। इवन लोग बाबा के ऊपर ही चढ़े हुए हैं कि ये इंसान गलत है, उसको गालियां दे रहे हैं, बाबा को ही गालियां देने लग रहे हैं, और इस गौरव की वो मतलब कि वो पैरवी कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा एक बात सोच के देखो यार, तुम्हारा नाम यूज करके कोई इंसान पैसे कमा रहा है यार, ये तो चीज गलत है। इवन अब तो यहाँ पर सिंपत्ति के नाम पर गरीब दिखाकर किसी लोग, मतलब वो तो ऑब्वियसली गरीब थे, उनकी गरीबी का फायदा उठाकर लोगों से सहानुभूति लेकर उनसे पैसा लेकर, कितनी गलत चीज है। या तो पैसा लिया है, या तो वो जो जिसके लिए लिया है उस तक पहुंचाओ, या अगर पहुंचा नहीं पाए हो तो वापस उन लोगों को दे दो यार, तुम्हारा बिचौलिया का काम है इसके अंदर। अब इसमें लोग अगर बाबा को गाली दे रहे हैं तो मैं यही कहूंगा यार, तुम IQless प्राणी हो, तुम्हारा सच इस पर कुछ नहीं हो सकता, तुम पैदा ही IQless हुए हो। अब देखो यार मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है, कुछ यूट्यूबर्स जैसे कि लक्ष्य चौधरी, एलविश यादव, इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर इस इंसान के अच्छे से मतलब बजा रखी है, अच्छे से बता रखा है कि इस इंसान ने कैसे क्या किया है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। मुझे तो इसके भाई जो इसके नाम और काम में दोनों में सेम है, गौरव जोन, वैसे सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, असलियत में तो गोबर ही है। वैसे मैंने इसे गोबर कहते हुए ये फील किया यार, देखो गोबर इसको कहना एक तरीके से गोबर की तोहीन हो जाती है, एटलीस्ट गोबर किसी के काम तो आ जाता है, लेकिन ये तो किसी के काम भी ना है। मुझे इस इंसान के ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी, बट क्या हुआ, इसकी वीडियो मैंने देखी तो इसके अंदर ये अपने आप को ये बता रहा था कि ये स्कैम नहीं, इसने स्कैम नहीं किया है, ये ऑनलाइन डोनेशन को प्रमोट नहीं करता है। वाह भाई साहब वाह, मतलब सो चूहे काके बिल्ली हज को चली। बट जो सारा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि पब्लिक कंफ्यूज हो गई कि कौन सा गौरव है जो स्कैम करके गया, तो सारे गौरवों को लपेटे में ले लिया है। भाई सारे गौरवों को लपेटे में मत लो, YouTube पे लाखों गौरव है, जैसे मेरा YouTube पे है गौरव जोन। ऑब्वियसली होगी, तू कौन सा दूध का दूल्हा है। अब इस गोबर प्राणी के दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है उससे इसकी याददाश्त ना वो कमजोर हो गई है। कोई ना, हम बैठे किस लिए, याद कराने के लिए बैठे हैं। मेरे को तो पता था, इसलिए मैं डोनेशन कभी प्रमोट नहीं करता अपने व्लॉग्स में। बेशक पता है भाई, क्योंकि खुद एक्सपर्ट रह चुका है, इसके चीज का एक्सपीरियंस रह चुका है, एक्सपीरियंस मतलब कि इस चीज में फील्ड में कूद चुका है, स्कैम करके मतलब कर भी चुका है, और शायद कर भी रहा हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये कर चुका है। अभी आपको नहीं पता हो तो इस इंसान ने फौजियों के नाम पर, फौजियों के लिए अपने अकाउंट में इसने पैसे मंगवाए थे, स्ट्रीम की थी, इसमें पैसे आए थे, इसने जिस इंसान ने वो पैसे ही नहीं भेजे आगे। अब देखो यार, आप लोगों को लगे कि यार मेरे पास क्या सबूत है, तो इसके बारे में एक बार सर्च कर लेना यूट्यूब पर, आपको लोगों को पता चल जाएगा। एंडी गुजर ने जब इस इंसान के बारे में बताया था कि कैसे इस इंसान ने फौजियों के नाम पर पैसे खाए थे, इवन किन किन के बारे में गलत बोलता है, कैसे कैसे कंटेंट के लिए मतलब किस किस लेवल तक चला जाता है, जो इसके जो दोस्त हैं इन्होंने इसकी मतलब अच्छे से बजा रखे, बता रखे कि ये किस लेवल का इंसान है, और वो इंसान आता है ऑनलाइन और जाके उपदेश देने लग जाता है। मतलब यार तुम पहले अपने आप को तो सही कर लो, बाद में नसीहत देना दूसरों को। और जब ये नमूना मार्केट में आया था, फॉर एग्जाम्पल जब भी सोचो कि एक गोबर जब वो जमीन पे गिरता है तो उसके छींटे जो है ना आसपास बिखर जाते हैं, तो ऐसे छींटे जो आसपास बिखरे होंगे व्लॉग बनाने लग गए ये लोग। और सच में अगर तुम लोग इनका व्लॉग देख लो, तुम्हें व्लॉग नाम से नफरत हो जाएगी। देखो तकलीफ इस बात से नहीं है कि लोग अच्छे काम करने वालों को सपोर्ट नहीं करते, तकलीफ इस बात से है लोग ऐसे लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं जो जनता का ही काट के चले जाते हैं। और तुम क्या सोच रही है कि पहला था या ये आखिरी था? नहीं भाई साहब, ये लोग आते रहेंगे, सिंपत्ति के नाम पर लोगों से पैसा वसूलते रहेंगे, ऑनलाइन कटोरा लेके आपके सामने आते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो कोई लोग अगर फंड रेज कर रहे हैं तो गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ है वो लोगों तक अगर अपना उन तक पैसा पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इन जैसे लोग, देखो यार तुम लोगों को खुद पहचानना पड़ेगा, ये लोग अभी खत्म नहीं होंगे ना, ये शायद मुझे लगता है कि कभी आने वाली लाइफ में कभी खत्म होने वाले, इन जैसी पैदाइश आती रहेगी, क्योंकि घटिया प्रजाति खत्म थोड़ी ना होती है, उनकी कहीं ना कहीं तो हर समाज में कुछ घटिया लोग मिलेंगे आपको, और ये कुछ उन्हीं लोगों में से एक है, और ये चलते रहेंगे। देखो इन जैसे घटिया लोगों का आना तो बंद नहीं हो सकता, लेकिन तुम अपने आप को समझदार जरूर कर सकते हो इनकी बातों में आने से। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि ये जैसे लोग, यार ऑब्वियसली तुम किसी इंसान को देखते हो, किसी का व्लॉग देखते हो, तो वो आप खुद समझ जाते हो कि उसके हाव भाव, बोलने का तरीका, सारी चीजें आप लोगों को समझ आते हैं। एक इवन जो ढोंग करता है, जो शो ऑफ करता है, वो भी आप लोग समझ आते हो। आई होप सो, अगर आपके पास अगर दिमाग हो तो समझ जाते हो। बाकी मैं यार जो ये एक्स टिकटॉकर है, ये रील्स के ऊपर जो टिकटॉक वाले आ गए,
मैं उनकी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। या जो मंद बुद्धि बालक हैं 14 साल के निब्बे निब्बी, यार मैं उनका क्या कहूँ यार। और इस बात का अफसोस ये है कि यार जो इंसान अच्छा काम कर रहा था और जो इन लोगों की मदद भी कर रहा था, जो गरीबों की मदद भी करता है, जो अपना नाम बाहर नहीं आने देता, इवन वो छुप छुप के करता है, या फिर मतलब एक तरीके से उसका यही पर्पस होता है कि वो लोगों की जाके हेल्प कर दे, उसे नाम नहीं चाहिए होता है। तो अब उन जैसे लोगों के ऊपर लोग ना गलत निगाह से देखने लग जाएंगे, वो यही कहेंगे यार ये धोखेबाज है या फिर ये गलत काम कर रहा है, इसने गलत ऐसे किया होगा। सारे के सारे लोग अब इन जैसे अच्छे लोगों के, यानी इवन देखो यार अच्छे लोगों की संख्या वैसे भी बहुत कम है, बुरे लोगों की संख्या तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। और ये सारा का सारा किया कराया कुछ इन घटिया लोगों की वजह से, जो मतलब एक तरीके से पैसे के नाम पर किसी भी चीज के मतलब किसी भी हद तक चले जाते हैं। लोग अपने देश के फौजियों तक का रुपया खाना शुरू कर देते हैं, गरीबों के कंधों के ऊपर पैर रख के अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, अपने वाइफ का अकाउंट, अपने साले का अकाउंट, अपने खुद का अकाउंट दे देते हैं, जीवन उस इंसान का अकाउंट होते हुए भी। यार अब देखो इसके बारे में क्या बोलूं, ये तो आप खुद जानते हो। बस यही कह सकता हूं कि यार आप लोगों को खुद जागरूक बनना होगा, जब भी आप जागोगे तभी ये लोग जो हैं वो इनकी अकल ठिकाने आएगी।